खबरों की ओर। संतों की सबसे बड़ी आस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत के बाद संत परंपरा के अनुसार बुधवार को समाधि दी गई। सोमवार शाम प्रयागराज स्थित श्रीमठ बागम्बरी गद्दी के गेस्ट हाउस स्थित कमरे में नरेंद्र गिरी की मृत अवस्था में शव मिली थी। उनकी समाधि से पहले श्रीमठ बागम्बरी गद्दी से अंतिम यात्रा निकाली गई जो संगम तक पहुंची। यहां पार्थिव देह को स्नान कराने के बाद अंतिम यात्रा हनुमान मंदिर होते हुए श्रीमठ बागम्बरी गद्दी पहुंची जहां मंत्रों उच्चारण के साथ उनकी भू समाधि दी गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पवन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है? संतों के सबसे बड़ी आस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी और आज उनको समाधि दी गई है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल कृतिका, मैं आपको बता दूं कि संतों की जो सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में अभी कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। उसके बाद से संत परंपरा के अनुसार उनका आज भू समाधि दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि प्रयागराज स्थित जो श्री मठ बागम्बरी गद्दी है उनके गेस्ट हाउस स्थित कमरे में नरेंद्र गिरी मृत पाए गए थे और उनकी समाधि से पहले श्री मठ बागम्बरी गद्दी से अंतिम यात्रा निकाली गई थी जो संगम तक पहुंची और यहाँ पार्थिव देह को स्नान कराने के बाद अंतिम यात्रा हनुमान मंदिर होते हुए और श्री मठ बागम्बरी गद्दी तक पहुंची और जहां समाधि देने की उनको भू समाधि है वो दी गई है। और मैं आपको ये और बता दूं कृतिका दर्शकों को कि जो ब्रह्मलीन संतों के अंतिम संस्कार में क्या क्या विधान तरीके से उनकी की गई है वो भी बता देता हूँ कि जो ब्रह्मलीन महंत है नरेंद्र गिरी उनकी भू समाधि में पार्थिव देह रखे जाने से पहले उनको चीनी और नमक डाला गया है और पार्थिव देह पर चंदन का लेप लगाकर उनको बैठ की मुद्रा में रखा गया था और जो मौजूद महात्मा और आमजन है उन्होंने पुष्प पैसा मिट्टी आदि अर्पित कर उनको प्रणाम किया था और श्री मठ बागम्बरी गद्दी से समाधि के बाद उनको धूल रोट का आयोजन मतलब की कल गुरुवार को ये किया जाता है और किया जाएगा। जैसे कोई संत है उनकी भू समाधि के बाद इस तरीके का आयोजन होता है तो गुरुवार को भी इस तरीके का आयोजन किया जाएगा। वो धूल रोट ब्रह्मलीन होने के 30वें दिन कार्यक्रम किया जाता है। जिस तरीके से आमजन अगर कोई एक्सपायर होता है तो उसका 30वां मनाया जाता है उसी तरीके से साधु संतों के भी ये 30वें का आयोजन किया जाता है और जो ये धूल रोट में रोटी में जो चीनी मिलाकर महात्मा को वितरित ये जो भी संत इस तरीके से ब्रह्मलीन होते हैं तो उनके 30वें दिन इस तरीके का प्रोसेस किया जाता है। एक मान्यता है इस तरीके की मान्यता को किया जाता है और चावल दाल प्रसाद स्वरूप वितरित उनको किया जाएगा और गुरुवार के दिन की इस तरीके उनको 30वें का दिन हो जाएगा। इसके चलते ये कार्यक्रम किया जाएगा और साथ ही सभी संत इसे ग्रहण कर मृतक के स्वर प्राप्ति